बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कराची की एक महफिल है, हमारे फारूक कादरी भाई माशाल्लाह से कलाम समाज फरमाइएगा, माशाल्लाह से मुझसे, और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे हमेशा, मतलब जो है ना बेहतरीन, और उनको बड़ा इश्क है आला हजरत से, क्यों ना हो यार। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आला हजरत का जो हम तक तस्करा पहुँचा है ना, समझ लो कि वो सिंधी बिरयानी के एक दाना हम तक पहुँचा है आला हजरत का। अब्दुल रज़ाक भी अल्लाह ताला जो है आपके वालिद को भी कुल्ली सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, वालदा को भी। तो यार फारूक भाई का कलाम सुनते हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर कलाम ख़त्म होगा, क्योंकि मैंने भी अभी सही पूरा नहीं सुना। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ मिल के सुनते हैं, मदीना मदीना हो जाएगा, है ट्राई करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, राबिया राना अब्दुल रज़ाक, वालेकुम सलाम अब्दुल रज़ाक भाई, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। वो बड़ी शान वाले हैं, उनसे परवरदिगार मिलता है। वो जिसके लिए महफिल कौन मेरा नबी है, वो मेरा
इंडोनेशिया से भी मेरे यहाँ दखल है, हमारी सिस्टर हैं और ग़ुलाम मुर्तज़ा और तमाम अहबाब, ये फारूक कादरी भाई हैं तारी, अल्लाह ताला जो है इनका साया तादेद हम लोगों पे सलामत रखे। देखो कैसी मोहब्बत से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, असल में नात खानी भी जो है ना वो कुरान है और नबी की तारीफ है नात और कुरान, और हमने और आपने माशाल्लाह से मिल के समात फरमाया और काफ़ी बड़ी तादाद माशाल्लाह से कलाम को सुन रही थी। अब्दुल रज़ाक भाई से गागो से माशाल्लाह से अल्लाह ताला सलामत रखे अब्दुल रज़ाक भाई के वालदैन को, और कोरोना वायरस चल रहा है और बाकी बराबर में पुलिस वाला चल रहा है। पहले भी पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश करी लेकिन मैं सेट हो गया, मैंने शीशे में देख लिया। असल में बराए रास्त करने से ये फ़ायदा रहता है कि मैं बड़ा नज़र रखता हूँ चारों तरफ, और बगैर बराए रास्त करे हुए जा रहा हूँ तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब मैं ज़्यादातर अभी काम पे से निकला हूँ, सुबह में जो है मैंने बोलता रिसाला माशाल्लाह से नशर किया था। यार कितना, यानी कि यार इल्म में दीन हासिल होता है ना, बोलता रिसाला जो है इल्म है। अब वो हमने यहाँ फेसबुक पर भी चल रहा है, सफदर आज एम डी यूट्यूब चैनल पर भी चल रहा है, और YouTube चैनल जो है ना यार बस अल्लाह माफ़ करे, गाने वाने भी डालने पड़ते हैं ना म्यूज़िक हराम है, वो म्यूज़िक जो है वो बच्चों को बोला एक दो वीडियो जो है ना उन लोगों ने म्यूज़िक मार दिया ऊपर से ना, तो अच्छा जी आप जो है वो वालदेन को क्वारंटीन करके मुफ्त में, ये मोहम्मद शाहिद कादरी अत्तारी भी चल गए आ गए हमारे साथ, शाहिद भाई जजाकल्ला। शायद भाई जुम्मा करीम मुबारक, तमाम है आपको मुबारक। और क्या जुम्मा जो है, जुम्मे को मरना जो है उसकी कितनी अफजलियत है, वाह सुभान अल्लाह यार, जुम्मे के दिन इंतकाल हुआ है, बड़े नेक होंगे यार, फिक्र नहीं करो, रो नहीं, सब्र करो यार, शब जुम्मे को तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हुआ, जुम्मे की नमाज में कितने लोग जनाजे में होंगे। अब ये सोचो कि हम सारे जिंदा हैं, हम में से कितने लोगों का जुम्मा निकल जाता है ना कामों की वजह से, पूरी बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, और पढ़ भी लेते हैं तो उनके पीछे पढ़ लेते हैं जो बदअकीदा होते हैं कि यार कम से कम यार मैं फंसूँगा तो नहीं, जुम्मा पढ़ने हाथों गया तो मैंने कितनी काविशें की, मैंने कितने टर्न मारे और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने कहा यार मैं, मेरी तो मजबूरी है कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ ना, क्या समझे कि मेरा जुम्मा ही नहीं था, मैं तो ज़ोर की नमाज़ पढ़ने आया हूँ। अंधेरा भी इतना ज़बरदस्त हो रहा है, जबाई भी नहीं दे रहा होगा आप लोगों को ना, गाड़ी की लाइट जलाऊंगा पुलिस वाला मुझे जला देगा कि मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आवाज़ तब भी करती है। तो मैंने बोला भाई मैं
ना तो अपने जोहर की नमाज पढ़ूंगा, आज तो मेरा मतलब है ही नहीं। लेकिन यार लोग, अब बात कहीं की कहीं निकल जाती है। जब मरना इतना अफजल है तो जुम्मे के अंदर जाना, जुम्मे के अंदर कुछ घर से लेके भी चले जाना, मतलब लंगर ले जाना, लोगों को बांट देना, खिला देना। बाहर की कंट्रीज में ये होता है कि लोग घरों से नहीं आते हैं, लोग अपने कामों से ब्रेक लेके आते हैं। मतलब अगर 300-400 बंदा पहुंच रहा है तो उसमें 300-400 आदमी जो है छुट्टी नहीं लेगा। अब मैंने छुट्टी ले ली है जुम्मे की, मेरा यहाँ था खाली, ये रबी अव्वल से पहले की बात है जब महीना शुरू नहीं हुआ था, मैंने कहा मुझे जुम्मे की छुट्टी चाहिए, तो उसने मुझे वीक में 3 छुट्टियाँ दी हुई हैं, यकीन माने 3 छुट्टियाँ। मैंने कहा कोई इशू नहीं है ना, अल्लाह ने बरकत डाली हुई है, मतलब अगर 3 छुट्टियाँ मिलेंगे तो घंटे कम होंगे, ओवर टाइम भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा, 3 छुट्टियाँ आपकी वीक के अंदर, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आज मैंने उसको मैसेज भी किया, अपने जो स्केड्यूल बनाता है, मैंने कहा यार मुझे तो कोई इशू नहीं है, तो मतलब तुम मुझे 3 छुट्टियाँ दे रहे हो वीक में, और बाकी अमेरिका का सिस्टम जो है ना, आप 3 छुट्टियाँ लें या 2 छुट्टियाँ लें, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने जो सिक टाइम होते हैं, या मैरीलैंड मंटगोमरी काउंटी का लॉ है, हर 30 घंटे के बाद 1 घंटा जो है वो कंपनी ने डालना है आपकी तनख्वाह के अंदर ना, तो उसको कहते हैं सिक टाइम। अच्छा, सिक टाइम बड़ी तादाद में पड़ा हुआ होता है, सिक टाइम बीमार होंगे तो सिक लीव लेंगे, या कुछ होगा तो काम आएंगे, इसलिए गवर्नमेंट के हर 30 घंटे पे 1 घंटा, हर 30 घंटे पे 1 घंटा, हर 30 घंटे पे 1 घंटा, तो वो काफ़ी घंटे जमा हो जाते हैं। तो अब मैं उसमें से यूज़ कर रहा हूँ ना, कि पता नहीं लॉकडाउन कितना जाएगा, हम मदीने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, और खाली हम सेव कर रहे हैं सिक टाइम। जैसे निकलते हैं यहाँ से पाकिस्तान जाएं या जद्दा जाएं या कहीं भी जाएं, तो उस वक्त आपकी वेकेशन होती हैं, जो हमारी मतलब मेरे पास जो है ना 3 वीक की वेकेशन अभी मौजूद है, मतलब 3 हफ्ते में काम पे ना भी जाऊं तो मुझे तनख्वाह मिलेगी, और उसके बाद सिक टाइम होगा, माई टाइम होगा। माई टाइम ये होते हैं कि जो हॉलीडेज वगैरह आते हैं, और थैंक्सगिविंग होता है, क्रिसमस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके भी मतलब जो है वो घंटे मिलते हैं, वो आप एनी टाइम ले सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जुम्मे का जिक्र हुआ, शाहिद भाई ये आपकी वजह से जिक्र छेड़ दिया मैंने, या शाहिद भाई यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे हैं, और क्या कहते हैं फेसबुक पे भी कमेंट कर रहे हैं, और अभी तक जो है आपका व्हाट्सअप नहीं आया है। बाकी हमारा घर आ गया, और हमारे साथ आमिर बाकस साकल्ला अब्दुल रजाक, मैं शिफ्ट हो गया हूँ, बहुत अच्छी बात है यार। और अबे यार खाना निकालना है यार, हुए गाड़ी से ये तो बड़ा मसला है यार, गाड़ी तो दरवाजे में रोकनी पड़ेगी। असल में कल जुम्मा करीम है तो मैं गोश्त वगैरह लाया हुआ था, कि यार इरादा मेरा जो है पास्ता बनाने का है, पास्ता कोई रेमेडी चलानी पड़ेगी, जिससे कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, मतलब बैठे हुए थे तो पता नहीं लगा, काम ख़त्म करने के बाद घर आ रहे हैं तो ऐसा दर्द हो रहा है जैसे बहुत अरसे से बीमार है। अल्लाह माफ़ करे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, ताला खोले रखाया। और यहाँ बड़ा अजीब सा हो रहा है, अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे ना, सुबह फ्रिज वाला आया हुआ था सही करने, तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। यार एक तो ये बड़ा मसला हमारे घर के अंदर ना, इन लोगों ने एक लॉक होता है, एक नीचे भी लॉक होता है, मैंने लॉक खोल दिया, नीचे का लॉक लगा हुआ है।
जुम्मा करीम मुबारक। और जुम्मा जो है ना, इसको मजाक में नहीं लिया करें, दुआ करा करें अल्लाह ताला जो है हमें जुम्मा मिल जाए। और जुम्मे जब हो जाए तो अपने सारे कामों को छोड़ दो और अच्छी अच्छी नियतें करते रहो। नियतों वाला रिसाला नहीं सुना तो दोबारा सुनो, कमेंट भी करो, यूट्यूब चैनल पे भी आ गया। क्या है यार इंसान की ज़िंदगी की, क्या है हैं, क्या है ये, क्या क्या है ये, ठीक है ओ काम की चीज़ है। तो ये भी एक सर्विस होती है। सामान भी खरीदो, सामान उतारो भी, गाड़ी भी पार्क करो, सुबह से निकला हूँ। हामिद दादा की गाड़ी जो है वो टोटल लॉस्ट हुई थी तो उसको लेने गया मैं। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन को एड्रेस दिया हुआ था, मतलब गाड़ी लेने नहीं गया था, पर्सनल लेने गया था। लाइन लेदर की कवर, नंबर प्लेट, ये लाइसेंस प्लेट जो होती है ना, 2 साल की थी, तो ये लेने गया था। बारिश की वजह से मुझे टिपाई नहीं गया, बहुत टाइम लाया हुआ, काम पे भी लेट हो गया। फिर आप लोगों के साथ मैंने रिसाला भी बराह रास्त किया। क्या है यार, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप। बड़ी भाग दौड़ होगी कल भी यार, कल भी बड़ी भाग दौड़ है, कल छुट्टी, हफ्ते की भी छुट्टी है, एक छुट्टी ऑलरेडी हो चुकी है, कौन सी हुई थी यस्टरडे, छुट्टी थी, 3 छुट्टियाँ। सल्लू अलग हबीब, क्या रह गया गाड़ी के अंदर, कैप रह गया यार। ऐसे हिम्मत ताकत अता फरमाए, वो पास्ता बन जाए, वो तो पास्ता घर में बनाना पड़ेगा। ये लोग 3rd फ्लोर पे ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं, अभी बात हो रही थी फोन पे। पास्ता बनेगा ना उसके टीमे वगैरह, दुआ करें कि अल्लाह ताला हिम्मत ताकत अता फरमाए। अब ये फंस जाती है यहाँ, जो मैं कह रहा था ना, मैं ये हाउ टू मेक पास्ता, ये देख रहा हूँ।
तो ये हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, देख रहे हैं पास्ता बनेगा। ओ पास्ता कैसे बनेगा यार, थोड़ी हाड़ा गुड़ी के अंदर वो तो पास्ता लेना तो भूल ही गया। अल्लाह मालिक है। अबे यार ये भी रखना भूल गया। अल्लाह अकबर 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 अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चले भाई अल्लाह हाफिज़ हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला फिर ज़िंदगी तो मुलाकात होगी। अहमद मूसा की अम्मी ठीक रही है।